देखिए ये दोनों लड़कियां हो चुकी हैं मैड 360 रोटेटर पे, पता ही नहीं चल रहा कर क्या रही है, चाहती क्या है, होना क्या है। ये साउथ दिल्ली की सस्ती मॉडल है। तो जे कॉलोनी के वो हैं सुपरस्टार। अभी नीचे उतर रहा हूं तेरी गाड़ी में। गाइस हम अभी होटल में हैं और होटल में अब टाइम पास कर रहे हैं जब तक हमारी बस नहीं आती। 10 बजे का टाइमिंग है और अभी 8:30 से ज्यादा हो रहा है ना, हाँ 8:42 हो रहे हैं और हम यहाँ से 9 बजे चेकआउट कर देंगे और फिर जाएंगे हम अपने बस स्टॉप बस लेने के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ना जस्ट फोटोज एंड वीडियोस बना रहे हैं और मतलब बातें कर रहे हैं, जो जो हमने इंजॉयमेंट किया वो सब याद कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हम यहाँ से लेके जाएंगे। बॉर्डर तक जाते जाते ऑटो खराब हो गया था। हाँ बताया मैंने, हाँ मैंने सारी बात बता दी भाई, तो उस टाइम नहीं बता पाई बट होटल में थी तब मैंने बता दिया था और अभी मैकडी में बैठे थे तब भी मैंने काफी बातें बताई हैं कि भाई मतलब जहाँ पहुंचे हैं ना वहाँ हमने बहुत स्ट्रगल किया है तब हम वहाँ पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि झट बैठे पट पहुंचे। हाँ 2 घंटे वेट किए, पहुंचे भी यहाँ से कितनी देर, कितने 12:30 बजे पहुंचे हम वहाँ पे हैं और बड़े बड़े स्यापे हुए हैं जी, 4 बजे यही बताए। हाँ हाँ 5 बजे हम यहाँ वापस आके लगे होटल में। 8:42 हो रहे हैं और हम यहाँ से 9 बजे चेकआउट कर देंगे और फिर जाएंगे बस स्टॉप बस में। पर बहुत सारी मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं और ये मक्खी ना ठीक गंदी वाली मक्खी फते गई, एक गंदी सी थी चमकीली सी मक्खी लग रहा है कि चमकीली मक्खी आ रही है, यहाँ उड़ती हूँ, यहाँ उड़ रही थी। गाइस हम बस का वेट कर रहे हैं और इनकी ना बातों को थोड़ा इग्नोर करना ठीक है। तो 9:30 बज चुके हैं और तभी भी हमारी बस आ सकती है, हम बैठते हैं बस में और मॉर्निंग तक हम होंगे अपने दिल्ली में और अपने घर। चलो हाय गाइस। गाइस तो ये हमारा कैबिन है और एक सामने कैबिन है, ये साउथ दिल्ली का, ये साउथ दिल्ली गर्ल्स एंड दे आर जे जे कॉलोनी के छपरी, जे जे कॉलोनी के छपरी। हमारी ये 2 सीट है, सीट पे लगाओ नीचे से लगाओ। आंटी जी साउथ दिल्ली वाले यार, जे जे कॉलोनी वाले यार, लोग ये रुकने पता चलेगा। देखो ये अंदर से ऐसी है, अभी जब बैठेंगे जब और दिखा देंगे वो बंदे सेट हो जाएंगे ठीक है। चलो बाय। ये बोलिए वो कहाँ हो जे जे कॉलोनी वाले। अरे जे जे वाले कहाँ हो तुम? हाँ भाई हमें तुम्हारी खिड़की कैसी है? क्या चल रहा है? अरे सब बढ़िया चल रहा है भाई, किधर हो? हम भी देखे केले 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 खाते क्या ढूंढ रहे हो? चार्जिंग पॉइंट नीचे था, देखते हुए जाओ। इसमें है हमारी साइड, हमारी साइड है हमने देखा नहीं इनका पोपट बन गया। हमारी सीट नंबर है 3, 4, 5, 6, हमारी खिड़की खुल गई है। हम क्या करेंगे कौन से हमारे में, और हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे वो
भैया के पास आके बैठ गए। भैया भी बोर ना हो और व्यू बड़ा मस्त आ रहा है यार, और गाने चलाने से इतने सारे सो गए। I've never had anyone complete the words I say. Good morning guys, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी दिल्ली बाईपास हम पास करेंगे और 10 मिनट में हम कश्मीरी गेट पहुंच जाएंगे और फिर सब लोग उठ चुके हैं। ओए ब्रोस, चोट रहा है। भाई हम जब तक जगे, कितने बजे तक जगे थे हम? 12 बजे में लास्ट सोए। 12 बजे तक जगे हैं हम, और 12 बजे तक हमने खूब हल्ला उल्ला किया है। उसके बाद फिर हम लोग लेट गए, और लेटने के बाद क्या हुआ? क्या था मामा? ये मामा का घर चालू हो जाते हैं मेट्रो, आराम से मिल जाएगी घर पहुँच। मतलब सोए लेट है ना जब, तो अच्छी खासी नींद आ गई। अब उठ रहे हैं, ये भैया ने हल्ला मचाया, दिल्ली वाले उठ जाओ, दिल्ली वाले उठ जाओ। वहाँ देख सनसेट कितना अच्छा आ रहा है। मैं तो सनसेट करती हूँ, सनराइज हो रहा है वहाँ देख। अभी लगता है मैं उसी हूँ। Guys, my apology. Guys, अब हम लोग उतर गए हैं कश्मीरी गेट और हम एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ मेट्रो से, ये लोग लेंगे ऑटो। चलो बाय बाय बाय। एक ब्रो ये रहा मेरा। बाय बाय बाय। चलो पहुंच के मैसेज कर देना सब एक ग्रुप में डालना, ठीक है? बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। मैं निधि चौधरी। सो जैसे कि आपने मेरे अमृतसर व्लॉग देखे हैं, तो वो मैंने एक्चुअली एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि काफी लंबे व्लॉग्स हो गए थे और मतलब हमने 2 दिन के अंदर अंदर इतना एक्सप्लोर किया था कि वो व्लॉग्स एपिसोड में आने ही आने थे, ठीक है? तो मैंने आई थिंक 4 एपिसोड्स बना चुकी हूँ मैं अमृतसर व्लॉग के, और हमने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की बहुत मतलब अमेजिंग थी सारी चीज़ें। और बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था जो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई थी, तो मैंने मतलब बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल,
ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमने चिल आउट किया, मस्ती की, मजे किए। मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि वहाँ की जो लोकल मार्केट थी अमृतसर की, ठीक है, वहाँ पे मीन्स क्या क्या चीज़ें थी वो तो आप व्लॉग में देख लोगे, जो एपिसोड 4 है उसमें आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे मोस्टली दुपट्टे होते हैं और जूतियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा वहाँ पे फेमस है और जो दिख भी रही थी मार्केट में ज़्यादातर यही चीज़ें दिख रही थी, मतलब मोस्टली शॉप्स पे दुपट्टे दुपट्टे लगे हुए थे, ठीक है, और जो स्लीपर वाली शॉप थी उस पे जूतियाँ और कोल्हापुरी जूतियाँ भी हमें दिख, सॉरी कोल्हापुरी चप्पलें भी मुझे दिखी हैं, और बट जूतियाँ तो थी ही, ठीक है, जूतियों की काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स और शोरूम्स थे। तो हाँ, तो एक्चुअली स्टोरी क्या है कि एज यू गाइज नो कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि लाइक आई लव जूतीज, मुझे जूतीज बहुत पसंद है एंड फुलकारी भी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो मुझे जूती लेनी थी, ऑब्वियसली मैं अमृतसर गई हूँ तो मुझे मैं जूती खरीदूंगी, बट मेरे माइंड में था कि मैं एक पेयर ऑफ जूती ले लूंगी और एक कोई दुपट्टा ले लूंगी फुलकारी, ठीक है, तो मैं जब दुपट्टे ट्राई कर रही थी जो प्रॉपर फुलकारी थे वो इतने हैवी थे कि मैं मतलब नहीं कैरी कर पा रही थी, और समर्स में तो आप कर ही नहीं सकते, विंटर्स में तो एक बार को आप सोच लोगे कि हाँ चलो कर लेंगे कैरी, ठीक है, बट समर्स में आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि उनपे वो प्रॉपर थ्रेड वर्क होता है फुलकारी में और सारा हैंडमेड होता है, ठीक है, तो आप समर्स में उतने हैवी दुपट्टे को मैंने कैरी जब करके देखा मैंने कहा नहीं भावा मैं गर्मियों में इसको नहीं कैरी कर सकती, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है बट जब पहना ही नहीं जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है लेने का, तो इसलिए फिर मैं मतलब वो हैवी वाली चॉइस पे नहीं गई, मैं फिर लाइट चॉइस पे आई, ठीक है, जो कि मैं मतलब इजीली कैरी कर सकती थी और उसकी डिजाइन भी इतनी सुंदर है कि बहुत सुंदर है, और वो दुपट्टा मल्टीपर्पज के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ बेसिकली मैंने क्या दुपट्टा लिया है, तो गाइस ये है दुपट्टा, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये मतलब व्हाइट कलर है और ये फुलकारी तो रंग बिरंगी होती है उसमें तो कलर्स होते हैं, है ना, तो मैंने व्हाइट लिया है, एक्चुअली मेरे पास 2-3 फुलकारियां हैं, ठीक है, और ये लेने का पर्पस ये था, इस पे बहुत आपको आई थिंक शाइन दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी मुझे नहीं पता, मे भी दिख जाए, इसमें शाइन आ रही होगी, इसमें एक तो ये रीम कलर ही इतना सुंदर लग रहा है ना कि मुझे बहुत प्यारा लगा, और इसका जो एक बेनिफिट है इसे लेने का, इसका बेनिफिट एक ये है कि जब भी मुझे इसे किसी और कलर में चेंज करना हो तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ क्योंकि ये डाइबल है, ठीक है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग डाई करवा सकती हूँ किसी भी कलर में, तो ये मुझे बेनिफिट लगा तो इसलिए मैंने लिया, और ये तो मुझे क्रीम कलर ही इतना प्यारा लग रहा है ना कि मेरा उसने इतने दुपट्टे दिखाए मुझे कुछ ही नहीं पसंद आया, बट उसने जब ये दिखाया ना तो मुझे ये देखते ही से कहते ना पहली नज़र में ही पसंद आ जाना, तो ये मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया, ठीक है, तो मैंने ये लिया, मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, तो गाइज ये है मेरी फुलकारी जो मैंने अमृतसर से ली है, ठीक है, एक ये परचेज थी मेरी, ठीक है, इसको रखते हैं साइड में, अब हमने दुपट्टे लिए, तो अब मैंने जूती लेनी थी तो हम लोग जूती की शॉप पे गए, निशा और दृष्टि को तो फर्स्ट शॉप पे ही जूती पसंद आ गई थी तो उन दोनों ने तो उसी शॉप से जूती ले ली थी, ठीक है, बट मुझे नहीं पसंद आ रही थी, फिर जाके एक मुझे जूती पसंद आई, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि इसका फ्रेश पीस निकाल दो क्योंकि इस वाली जूती में स्टोन निकले हुए हैं, ठीक है, तो उसने जैसे फ्रेश पीस का पता किया तो फ्रेश पीस अवेलेबल, मतलब अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि वो लास्ट पीस था उस जूती में और वैसा पीस था ही नहीं मेरे साइज में, तो फिर लेना बनता ही नहीं था,
तो हम लोग उस शॉप से छोड़ के आ गए, फिर और एक दो शॉप देखी वहां पे भी, मतलब मन पसंदगी से कहते हैं ना कि हाँ देखते ही पसंद आ जाए, देखते ही मतलब जाए कि हाँ ये है, तो वो चीज आई नहीं। कम से कम चार पांच शॉप देखी, फिर एक शॉप दिखी तो हम जैसे उसमें एंटर कर रहे थे, तो एंटर करते करते निशा ने बोला कि हाँ निधि यहाँ पे वाइब आ रही है, मतलब तेरे को यहाँ पे ना मे भी मिल जाएगी, यहाँ पे ना आ रही है वाइब की हाँ जुतियां मतलब पसंद आ जाएंगी, जिस अकॉर्डिंग वो शोरूम था और बाहर डिस्प्ले में जुतियां लगी हुई थी, तो निशा ने बोला यहाँ पक्का वाइब आ रही है कि मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मिल जाएगी तो, क्योंकि चार पांच दुकानें देख ली यार, जूती पसंद ही नहीं आ रही, पसंद ही नहीं आ रही, क्या करूं, मेरा बड़ा मत्था खराब हो गया है कि मतलब पसंद हो के ही नहीं आ रही है, कोई जूती दिखा रहे हैं जैसा मुझे चाहिए डिजाइन वैसा कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। शॉप में गए हम, भैया थे, तो मैंने कहा, मैंने बताया उनको कि भैया ऐसे ऐसे जूती दिखा दो, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। वहां पे साइड में उन भैया के जो फादर थे वो खाना खा रहे थे, तो मैं खड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने मुझे, अंकल यहाँ पे खाना खा रहे हैं और यहाँ पे टेबल है और वो कह रहे हैं यहाँ बैठ जाओ, अब ऐसे कोई खाना खा रहा है तो थोड़ा ऑड लगता है, तो मैं खड़ी रही, मैं बैठी नहीं। अंकल ने जब देखा तो कहते अरे बेटा बैठ जाओ पुत्र बैठ जाओ, तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल कोई नहीं आप खा लो कोई नहीं, कहते अरे मैंने खा लिया बेटा बैठ जा, तो फिर अंकल ने बिठा लिया, ठीक है। फिर बैठ गई, अंकल ने मुझे असिस्ट किया, तो अंकल ने फिर मुझसे पूछा बेटा कैसी जूती चाहिए बता, मैंने उन्हें बताया कि अंकल ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, तो अंकल ने मुझे दिखाई, अंकल ने मुझे पहली जूती दिखाई, वैसी मुझे नहीं चाहिए थी बट उन्होंने मुझे पहली जूती दिखाई, उनकी ना सेलिंग ट्रिक इतनी अच्छी थी बाय गॉड, मतलब बहुत अच्छे सेल्समैन है अंकल, मैं कह रही हूँ कैमरा पे मुझे एक जूती लेनी थी पर मैं दो जूती लेके आई हूँ शॉप से, क्योंकि भाई मतलब पता नहीं उनको क्या ही लगा, उन्होंने दिखाया कि बेटा ये देख पहले तू, जैसी तू मांग रही है वो तो मैं दिखाऊंगा तुझे, पर अब ये वाली देख तू पहले। सबसे पहले उन्होंने जो मुझे जूती दिखाई ना वो ये थी, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली मेरे पास है तो मैं ये लेके आई हूँ, ये बाय गॉड देखते ही मुझे मतलब अच्छी लगी जब उन्होंने दिखाई ना, तो ये देख, तो देख के मुझे अच्छी लगी, इसका कलर डिजाइन टेक्सचर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर मैंने ये, मैंने कहा ठीक है, कह रहा एक बार बेटा पैर में डाल के देख, तो मैंने जब ये जूती पैर में डाल के देखी तो भाई क्या कमाल लग रही थी, बाय गॉड मेरा तो मन हुआ यार तो बहुत अच्छी लग रही है, अब जैसी मुझे चाहिए वैसे भी मिल गई, तो फिर तो दो पेयर हो जाएंगे, मगर चल देखते हैं मिलनी तो चाहिए मिल तो जाए। फिर मैंने जैसा बताया था अंकल को, अंकल ने वैसे मैं एक दो दिखाई तो मुझे वो नहीं आई। अब हाँ जैसे अब मैं एक स्टोरी और बताती हूँ, अब जैसे अंकल मुझे जूतियां दिखा रहे थे, ठीक है पहली जूती तो ये पेयर थी जो दिखा दी मैंने, साइड निकलवा ली कि ठीक है इन्हें साइड कर दो, तो फिर अंकल ने जैसे एक जूती और दिखाई, मैंने कहा फिर एक दूसरा पैर दिखाया, फिर कि बेटा ये, मतलब मुझे ही नहीं पता मैं कैसा एक्सप्रेशन बना के कह रही थी अभी, एग्जैक्टली मैं वो एक्सप्रेशन दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही, बट उन्होंने तीन या चार पैर मुझे जूती के दिखाए और मैंने मतलब ऐसे करके, मुझे नहीं पता मैं उस टाइम कैसे कर रही थी कि मैंने ऐसे करके नाट गई मैं कि नहीं ये नहीं अंकल ये नहीं अंकल, तो फिर बोले कि बेटा जब तू ना ऐसे करती है ना बड़ी प्यारी लगती है तो मैंने कहा अच्छा ठीक है थैंक यू अंकल। अंकल ने एक पैर निकाला जूती का जैसा मुझे चाहिए था वैसा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो मुझे पसंद आई और मैंने वो साइड निकलवा ली, पहन के देखी तो वो बहुत अच्छी लग रही थी पैरों में, और मुझे फिर अब ये हुआ कि मेरे को दोनों जूतियां पसंद आ रही हैं और दोनों जूतियां बहुत अच्छी लग रही है। फिर फाइनली मैंने क्या किया कि मैं चलो दोनों ही जूती ले लेती हूँ, तो जो दूसरी जूती है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, ये पे दूसरी जूती ये है, ठीक है। इसमें देखो आपको वर्क दिख रहा होगा, और ये वाली जूती भी हैंडमेड है, ये जूती भी हैंडमेड है और ये वाली जूती भी हैंडमेड है, दोनों जूतियां हैंडमेड है, ठीक है। जूती मेरे को दोनों बहुत पसंद आई, दोनों मेरी मन पसंद की चीजें मिल गई, दुपट्टा मुझे इतना अच्छा मिल गया,
ठीक है, मेरे पास तीन फुलकारी हैं, एक बेबी पिंक में, एक मजेंटा में और एक ग्रीन और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में। तो फिर मैंने कहा यार अब इतनी रंग बिरंगी सी फुलकारी मतलब मेरे पास तो है ऑब्वियसली, तो ये मुझे पसंद आई तो भाई मैंने तो ये ले ली। और ये ऑप्शन भी है मेरे पास इन फ्यूचर, मुझे अगर इसको डाई करवाना हो किसी सूट के साथ तो मैं इसको डाई करवा सकती हूँ। ठीक है, तो गाइज यही मेरी परचेजिंग थी। और एक मैंने ये कड़ा लिया था गुरुद्वारे से, हरमिंदर साहब से, जब हम वापस आते हैं सुबह के 4:30 बज रहे होंगे, तब आपने क्लिप में देखा ही होगा कि हम कड़े की शॉपिंग कर रहे थे, तब मैंने ये कड़ा लिया था वहां से। मतलब जो जो चीजें मैंने वहां से ली थी मैं लेके ही बैठी थी, बस यही चीजें लिया मैंने, एक दुपट्टा लिया, दो जुत्ती ली और एक मैं ये कड़ा लेके आई थी। ठीक है, बस यही हम लोगों ने शॉपिंग की थी। बाकी निशा और दृष्टि ने दो दुपट्टे लिए हैं और उन्होंने एक एक अपनी जुत्ती ली है। बस रोहित ने कुछ भी नहीं लिया वो क्या लेता, रोहित ने कुछ भी नहीं लिया, उसने जस्ट चिल किया हमारे साथ। ठीक है, अमृतसर एपिसोड का ये लास्ट व्लॉग है, सो आई होप कि आपको ये ट्रैवलिंग व्लॉग पसंद आया हो। और गाइज डू कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और यार मतलब ग्रुप में फैमिली में शेयर कर दिया करो। ठीक है, और लाइक कर दिया करो, वीडियो देखते हो तो नीचे लाइक का बटन आता है उसे प्रेस कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आप वीडियोस देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो यार लाइक भी कर दिया करो। बस गाइस आगे मेरे साथ बने रहें, थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं और अगर नहीं देखते हैं तो भी थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बट अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आप अभी यहाँ तक देखा है और देख रहे हैं, तो इट मीन्स आप मेरे व्लॉग्स देखते ही हैं, तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही साथ बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। होपफुली कि आपको भी अच्छे लगे हों व्लॉग्स, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो हेल्पफुल रही हों आपके लिए और आपको भी अच्छे से दर्शन हुए हों द्वारे के। या गाइज दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।